एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ सोनिया। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ अपना मीशो का हॉल, और काफी दिन बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अनस्टिच सूट मटेरियल हॉल। ये हॉल होने वाला है सूट मटेरियल का, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटन पार्टी वेयर सभी तरह के सूट सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देर किस बात की है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो पहला सूट मटेरियल है, ये है रेड कलर में। आप देख सकते हैं इस तरह का रेड कलर का ये पार्टी वेयर सूट है। बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है ये सूट और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता दूं, इसी तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क और मिरर वर्क का मैंने आप लोगों के साथ मीशो का एक और सूट शेयर किया था कॉटन मटेरियल में, जिसका जो फिनिशिंग है वो मुझे खास पसंद नहीं आया था। उसके कुछ मिरर्स निकले हुए थे, थ्रेड इधर उधर निकले हुए थे। लेकिन आप ये वाला सूट अगर देखेंगे, पास से मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक सिंगल थ्रेड भी इसका निकला हुआ नहीं मिलेगा। कोई भी जो फॉल्स मिरर है, कोई भी फॉल्स मिरर निकला हुआ मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ जो है ये सूट मटेरियल इन्होंने दिया है, तो मैं आपको पास से दिखाऊं, अगर बाकी मैं आपको डिटेलिंग दिखाऊंगी लास्ट में। तो इस तरह का सूट मटेरियल है ये जॉर्जेट फैब्रिक में, और आपको दिखा देती हूँ कैसा है, किस तरह से दिया है इन्होंने। इन्होंने ये आपको इस तरह से दिया है, पूरी लेंथ का आपको आगे मिल जाएगा पीस, और इसमें लाइनिंग भी दी है, जो कि इन्होंने सलवार वाले बॉटम वाले फैब्रिक के साथ आपको इसकी लाइनिंग भी मिल जाएगी। क्योंकि जॉर्जेट है तो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसलिए इन्होंने लाइनिंग भी दी है साथ ही में। बाकी आपको इसमें स्लीव्स भी मिल जाएगी अलग से, स्लीव्स पर भी इस तरह से इन्होंने वर्क दिया है, बीच बीच में बूटे दिए हैं। और फ्रंट में आप देखेंगे ना, तो फ्रंट में आपको इस तरह से हैवी वर्क मिलेगा, और नीचे की साइड आप देखेंगे तो इस तरह से कटआउट वाला जो है डिजाइन मिलेगा। बहुत ही सुंदर वर्क है, एक भी थ्रेड, एक भी जो जरी वर्क, जरी जो वर्क है ना, कहीं से भी निकला हुआ नहीं है। बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ है। कोई नहीं कहेगा कि इतने कम प्राइस में आपको ये इतना सुंदर इन्होंने सूट दिया है। इसमें रेड शेड मैंने पिक किया था, बाकी इसमें आपको 3 से 4 शेड मिल जाएंगे। अभी मैं आपको शेड भी बता दूंगी कौन कौन से इसमें मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको इसका जो बॉटम है, मैं बॉटम दिखा देती हूँ, बॉटम मिलेगा आपको इस तरह से क्रेप मटेरियल में। तो क्रेप मटेरियल में आपको बॉटम मिल जाता है, तो इस तरह का आपको बॉटम है। तो 2 मीटर के अराउंड इन्होंने लाइनिंग दी है, और 2 मीटर के अराउंड आपको इसमें जो है इसका लाइनिंग, और 2 मीटर के अराउंड इसको बॉटम मिल जाएगा। चौड़ाई भी आप देख सकते हैं कपड़े की, तो 4 मीटर आपको इसका फैब्रिक ये मिल जाता है लाइनिंग विद सलवार। अब मैं बात करती हूँ इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा भी आप देखिए कितना अच्छा ये कटआउट वाले डिजाइन का इन्होंने दुपट्टा दिया है। तो इस तरह का जॉर्जेट मटेरियल में ही आपको दुपट्टा मिलेगा। इंटरलॉक हुई है दोनों साइड, तो आपको उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा इन्होंने दिया है, बहुत ही प्यारा जो है मिरर वर्क है इसमें। देखिए पास से, बहुत ही सुंदर मिरर वर्क इन्होंने दिया है इसमें। अब मैं बात करूं अगर इसके प्राइस की, तो ये कुर्ता सेट मिलता है आपको 396 रुपीज में ओनली, और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। एक आपको यही रेड मिल जाएगा, दूसरा आपको ये वाला पर्पल मिल जाएगा, ये ब्लैक आपको मिल जाएगा इसमें, ये येलो मिल जाएगा, ये वाइट मिल जाएगा, ये ब्लू और ये ग्रीन आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसमें शेड आपको, टोटल 7 शेड्स इसमें अवेलेबल है। और मैं पास से आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ किस तरह का लगा है ये पास से। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फिनिशिंग के साथ ये है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई भी मिरर या थ्रेड इसमें निकला हुआ नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही खूबसूरत लगा है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये वाला कुर्ता सेट, इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छी डील है। तो बाकी आपने देख लिया कितना खूबसूरत ये लगा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, चाहे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में जो मेरा सेकंड सूट मटेरियल है, ये है कॉटन का एक सूट मटेरियल। इसे आप डेली वेयर में बहुत ही आसानी से, आप कॉलेज गोइंग गर्ल है, कहीं भी आप इसे आसानी से वेयर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेड है, और इसमें भी आपको कई सारे शेड मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बाद में देख कर बताऊंगी। तो ये कॉटन का जो है इसमें सूट मटेरियल इन्होंने दिया है।
इस तरह का 2.25 मीटर के अराउंड आपको सूट मिलता है। तो मैंने अपना फेवरेट जो शेड है नियॉन ग्रीन टाइप का, ये वाला इसमें चूज किया है। कॉटन मटेरियल है, मटेरियल बहुत ही अच्छा तरह का इन्होंने कॉटन दिया है। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने इस तरह से डिटेलिंग दी है जो कि यहाँ पर नेक पर आपको आ जाएगी। और आप नीचे आएंगे, पूरा प्रिंटेड ये सूट है, नीचे आएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर इन्होंने दिया है जो कि सूट के नीचे आपको आ जाएगा। जो बॉर्डर है, बॉर्डर इन्होंने दिया है, और जो ये वाली डिटेलिंग है ये सेम सलवार वाले प्रिंट से इन्होंने दी है जो इसका बॉटम का प्रिंट है। अब मैं बात करती हूँ इसके बॉटम की, तो इसका जो बॉटम है वो भी काफी खूबसूरत है, जिसमें कि नियॉन ग्रीन और ब्राउन का शेड दिया है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा ये लीव्स वाला पैटर्न दिया है। और इस तरह का 2.25 से 2.5 मीटर के अराउंड ही आपको इसमें बॉटम इनका मिलता है। बॉटम की आप चौड़ाई देखेंगे ना, कॉटन मटेरियल की बहुत अच्छी चौड़ाई है, फैब्रिक क्वालिटी A1 है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी में है और इतने कम प्राइस में है। सबसे बड़ी बात ये है इसकी, बहुत ही खूबसूरत सूट है। और मैं बात करूं अगर इसके दुपट्टे की, तो आप देखेंगे दुपट्टा भी इसका बहुत ही प्यारा मल कॉटन का दुपट्टा इन्होंने दिया है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है, इंटरलॉक नहीं हुई है। अगर आप नहीं कराएंगे तो भी चल जाएगा, कॉटन मटेरियल है तो थ्रेड इसका कहीं नहीं निकलता है, कराएंगे तो फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आ जाएगी। तो आपको इस तरह का ये दुपट्टा मिलता है जिसपे इन्होंने सूट का पैटर्न और जो है बॉटम का पैटर्न, दोनों पैटर्न अटैच किए हैं। तो इस तरह से 2.25 मीटर के अराउंड आपको दुपट्टा मिलता है। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई काफी अच्छी दी है, फैब्रिक क्वालिटी A1 है गाइस। अब मैं बात करूं अगर इसकी डिटेलिंग की, तो मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ किस तरह का ये है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिटेलिंग है, पास से भी अगर मैं इसको कैमरे को ला रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह का फैब्रिक का क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा तरह का इन्होंने कॉटन दिया है। अगर मैं प्राइस की भी बात करूं, देख सकते हैं कितना प्यारा ये लगा है। तो फ्रेंड आपको मिलता है इस तरह का सूट सेट। अब मैं बात करूं अगर इसके प्राइस की, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 469 रुपीज, 470 के अराउंड आपको ये सूट मिल जाएगा, जिसमें आपको कई सारे शेड मिल जाएंगे। इसमें आपको एक यही वाला जो है नियॉन ग्रीन मिल जाएगा, दूसरा आपको ये वाला टील ब्लू मिल जाएगा, तीसरा आपको ये हल्का सा पिंक और पीच टाइप का, ऑरेंजिश टाइप का शेड मिल जाएगा, फोर्थ आपको ये लेमन शेड मिल जाएगा। तो 4 शेड आपको इसमें मिल जाएंगे और सारे ही शेड बहुत ही प्यारे हैं। तो ये वाला सूट सेट भी मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, चाहे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो थर्ड मटेरियल है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा है, खास करके इसका शेड और इसके शेड पर जो उभरती हुई एम्ब्रॉयडरी है ना, ये शेड में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नेक पर इन्होंने वर्क दिया है, थ्रेड और सीक्वेंस का वर्क है, और वर्क की फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी इन्होंने फिनिशिंग दी है। जो फ्लावर्स हैं इसमें आपको डार्क येलो, लाइट येलो, पिंक, रेड, ग्रीन सभी तरह के शेड मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा उभर कर आया है इस वाले अनियन टाइप के शेड पर ये, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फुल्ली पार्टी वेयर आप इसे बोल सकते हैं, ऑर्गेन्जा मटेरियल में ये है। तो इस तरह का आपको इसमें सूट मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि मीशो पर जो ऑर्गेन्जा के आपको सूट मिलेंगे ना, ये अलग अलग पीसेस आपको मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने ये फ्रंट का पीस दे दिया है पूरा, तो फ्रंट आपका इसमें से बन जाएगा। बैक के लिए भी अलग से इन्होंने 1.25 मीटर के अराउंड ये बैक का पीस दिया है, तो इससे आपका बैक निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पोर्शन मिल जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहता है ऑर्गेन्जा मटेरियल, तो इसके साथ ही अटैच करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा क्रेप मटेरियल दिया है, शाइन करता हुआ सिल्क टाइप में, जो कि इसकी लाइनिंग का काम करेगा। तो वो मटेरियल है ये वाला, ये मटेरियल दिया है इन्होंने, 4 मीटर के अराउंड आपको मिल जाएगा ये। इसमें आपको बॉटम भी निकल जाएगा और इसका लाइनिंग भी निकल जाएगा, तो आपको लाइनिंग की अलग से नीड नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत आपका जो है पार्टी वेयर सूट तैयार हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इसके मतलब अगर मैं बॉटम के फैब्रिक की बात करूँ ना, तो ये वाला फैब्रिक भी इन्होंने काफी सही दिया है। अब अगर मैं इसके दुपट्टे की बात करूँ, तो दुपट्टा आप देखेंगे तो दुपट्टा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत इन्होंने दिया है। इस तरह से कटवर्क मिलेगा, और आजकल ये कटवर्क ना हर तरह के आपके दुपट्टे पर मिल जाएगा, लेकिन फिनिशिंग की बात होती है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी इन्होंने दी है। आप पास से देख सकते हैं कितना सुंदर आपको फिनिशिंग मिलता है इसमें, और दुपट्टे की लंबाई काफी अच्छी दी है, चौड़ाई काफी अच्छी दी है। दुपट्टे पर जो आपको ये वाला जो वर्क मिलेगा ना एम्ब्रॉयडरी वाला, चौड़ा बॉर्डर आपको एक ही साइड मिलता है, दूसरी साइड जब आप आएंगे तो इस तरह का आपको पतला बॉर्डर का कटआउट मिलेगा। तो चाहे तो आप ऐसे ही से कैरी कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो चौड़ा बॉर्डर इधर के साइड लेकर भी इसे कैरी कर सकते हैं। फुल्ली पार्टी वेयर आपका ये सूट बन जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे आपको इस वाले सूट के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत इसका शेड है। अब मैं आपको इसके पास से भी डिटेलिंग दिखा देती हूँ, तो आप देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है पास से। इसका नेक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जो थ्रेड वर्क है ना मल्टी शेड में, ये बहुत ही प्यारा निकल कर आया है। और फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा शाइन है ऑर्गेन्जा में भी और इसके बॉटम में भी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगा है ये भी। तो अब मैं बात करूं अगर इसके प्राइस की, इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा था ओनली 369 रुपीज, 370 रुपये में मुझे ये इतना खूबसूरत सा सूट मिला है, जो कि आपको अंडर 400 मिलता है। अब अगर मैं शेड की बात करूं तो इसमें शेड्स भी आपको बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूं। तो इसमें आपको एक तो यही वाला अनियन शेड मिल जाएगा, दूसरा आपको ये वाला ग्रीन मिल जाएगा, ये वाला आपको पिंक मिल जाएगा, ये वाला ब्लू मिल जाएगा और ये वाला व्हाइट शेड मिल जाएगा। तो सारे ही शेड बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज्यादा सुंदर लगा था, दैट्स व्हाई मैंने इसे पिक किया है। हाईली हाईली रिकमेंडेड है गाइस मेरी तरफ से, तो चाहे तो आप इसे भी एक ट्राई जो है दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो फोर्थ सूट मटेरियल है, ये मुझे काफी अच्छा लगा था इमेज में और बहुत ज्यादा रीजनेबल था, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ कि अगर इतना रीजनेबल सूट पर जाते हैं तो किस तरह का मटेरियल आता है। तो ये है इसका सूट, लेकिन अगर मैं सूट के फैब्रिक की बात करूं, अगर आप इसे बिना लाइनिंग के स्टिच कराएंगे तो शायद ये चिर सकता है। और एक और चीज मुझे इसमें लगी, पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस मुझे आई थिंक 235 रुपीज था, ओनली 235 रुपए के अराउंड आपको ये सूट मिलता है। उस हिसाब से इसके साथ आपको दुपट्टा बॉटम सब कुछ है, तो मुझे इसकी क्वालिटी देखनी थी क्या इसमें क्वालिटी है इसकी। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, अगर आप सूट को ऐसे स्टिच कराएंगे इस तरह से, तो इसकी लेंथ अच्छी खासी आपको निकल जाएगी ऐसे, लेकिन हम लोगों में बोलते हैं ना कि ऐसे साइड से, मतलब सूट को बेसिकली ऐसे निकाला जाता है फैब्रिक में ना, इस तरह से, तो इस तरह से तो इसकी लेंथ ही बहुत कम पड़ जाएगी और ये जो बूटे हैं वो इस एंगल में चले जाएंगे। तो बेसिक क्या है, इसका सूट इसी तरह से निकलेगा, तो इस तरह से निकलेगा तो आपको लाइनिंग तो इसमें लगानी पड़ेगी। बाकी इसका मटेरियल थोड़ा ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, तो इस तरह का बनारसी टाइप का इसका जो है मटेरियल इन्होंने दिया है बनारसी सिल्क में, और हल्का सा सिल्क टाइप का ही है ये, तो ठीक ही लगा है मुझे। मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं बात इसके प्राइस की करूं, ओनली 235 रुपए में आपको ये मिलता है, तो उसके हिसाब से बहुत ही बेटर है ये। अब मैं बात करूं इसके बॉटम की, तो जैसे कि इसका सूट काफी अच्छा मुझे, मतलब काफी सही लगा, लेकिन इसका जो बॉटम का क्वालिटी है ना, बॉटम इन्होंने क्रेप में दिया है और ये बहुत ही हल्का टाइप का क्रेप मटेरियल है, बिल्कुल चिरा चिरा सा क्रेप मटेरियल मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप इसमें से सूट बनवाना चाहेंगे ना, तो आप इसमें लाइनिंग लगवा कर इसका सूट बनवा सकते हैं, लेकिन आप बॉटम शायद कोई और ले लेना, क्योंकि बॉटम का फैब्रिक कुछ ज्यादा अच्छा इन्होंने नहीं दिया है। 2.25 मीटर के अराउंड आपको इसमें बॉटम मिलता है। अब मैं बात करूं अगर इसके दुपट्टे की, तो इसका दुपट्टा इन्होंने काफी सही दिया है, अच्छा लगा है मुझे देखने में। और इसका दुपट्टा आपको मिलता है इस तरह का, बनारसी सिल्क में ही आपको दुपट्टा मिल जाएगा, 2.25 मीटर के अराउंड आपको दुपट्टा मिलता है। दुपट्टे की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, इस तरह का पतला सा इन्होंने दुपट्टा दिया है, जिससे कि आप इसे साइड में इस तरह से बस इस तरह से कैरी कर लें, तो इस तरह का दुपट्टा है इसका। डिटेलिंग दिखा देती हूँ आपको पास से, कि पास से किस तरह का लगा है ये, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लगा है वैसे पास से देखने में। मतलब अगर प्राइस की बात करूं तो इसका कपड़ा ना दुपट्टे का और टॉप का काफी सही दिया है इन्होंने। हाँ, बॉटम का फैब्रिक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन सिलने के बाद शायद लुक वाइज ये काफी अच्छा लगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे से और भी शेड हैं इनमें, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका जो है शेड्स दिखा देती हूँ, कौन कौन से इसमें शेड हैं। एक इसमें आपको यही वाला रेड मिल जाएगा, दूसरा ये टेल ब्लू, फिर ब्लैक मिल जाएगा आपको, फिर आपको ये मजेंटा पिंक मिल जाएगा और ये ब्लू मिल जाएगा। तो इसके भी सारे शेड काफी सही हैं वैसे तो, तो चाहे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है ये भी। तो ये है मेरा फोर्थ कुर्ता सेट। उसके बाद फ्रेंड्स मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो फिफ्थ सूट मटेरियल है, काफी प्यारा क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत लगा है, ये भी पार्टी वेयर सूट है। तो ये सूट मिलता है आपको इस तरह से, जिसमें कि हैवी नेक दिया है इन्होंने विद स्टोन और जरी वर्क, आप देख सकते हैं। बाकी मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह का सूट दिया है, सूट का जो कलर है
वो प्रॉपर येलो कलर नहीं है, मस्टर्ड काइंड ऑफ येलो शेड है, तो बहुत ही सटल डाउन है, शेड भी बहुत ही प्यारा है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छा टाइप का इन्होंने कॉटन दिया है, जो कि धुलने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, इस टाइप का आपको कॉटन मिल जाएगा इसमें। और सूट कप पे आप गले पे देख सकते हैं किस तरह का एम्ब्रॉयडरी इन्होंने दिया है नेक पर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद भी पूरे सूट पर आपको ये छोटे छोटे बूटे मिल जाएंगे और ये स्टोन वर्क मिल जाएगा, ये स्टोन मिल जाएंगे आपको स्टिक हुए। और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको इस तरह से बॉर्डर मिल जाएगा जरी वर्क का, नीचे की साइड आपको ये मिल जाएगा। तो चौड़ाई काफी अच्छी दी है इन्होंने, जो है इसकी सूट की चौड़ाई काफी सही है। आप कितने भी हेल्दी हैं फिर भी आपका सूट इसमें आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह का दिया है, आपको इसमें टॉप का जो मटेरियल है फुल्ली कॉटन है, 100% प्योर कॉटन मटेरियल दिया है इन्होंने, तो बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये। अब मैं बात करूं अगर इसके बॉटम की, तो बॉटम भी आपको कॉटन मटेरियल में मिलता है और इस तरह का है ये कॉटन मटेरियल। तो इस तरह का आपको 2.5 से 2.5 मीटर के अराउंड आपको जो है मटेरियल मिलता है। इसकी चौड़ाई आप देखिए, काफी अच्छी चौड़ाई दी है, बिल्कुल मैच करता हुआ फैब्रिक है, जो बॉटम है टॉप से एकदम मैच करते हुए है, काफी सही क्वालिटी का दिया है इन्होंने। अब मैं बात करूं अगर इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है दुपट्टे का, शिफोन मटेरियल है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है मटेरियल इन्होंने दिया है। पूरा दुपट्टा आपको मिलता है, अच्छा खासा लंबा दुपट्टा है, 2.25 मीटर के अराउंड। दुपट्टे पर आपको चारों तरफ ये टेसल्स वाली लेस मिल जाएंगी, जो कि आपको ये जिगजैग वाले पैटर्न में इन्होंने दी है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का जो है पैटर्न इन्होंने लगाया है लेस का। और पूरे दुपट्टे पर आपको ये बूटे मिल जाएंगे, छोटे बड़े दोनों। फैब्रिक में आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन है, क्वालिटी वाइज A1 दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सूट मटेरियल है। अब अगर मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाऊं पास से, तो आप पहले डिटेलिंग देख लीजिए किस तरह का है ये। तो आप देख सकते हैं पास से गाइस कितना खूबसूरत वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क इन्होंने दिया है। आप किसी भी फंक्शन में, शादी में इस सूट को आसानी से कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब शाइन करता हुआ लगेगा नाइट में। इसका जो एम्ब्रॉयडरी है, जो स्टोन वर्क है, लाइट्स के साथ बहुत ही अच्छे पॉपअप होकर आएंगे, तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये। क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्राइस वाइज भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, क्योंकि सारे ही सूट सेट जो मैंने आपको दिखाए हैं अंडर 500 ही आपको मिल जाएंगे, बल्कि मोस्टली मैंने आपको जो भी दिखाए हैं 400 के अंडर आपको पड़ रहे हैं सारे के सारे। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं आपको इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा था 486 रुपीज। क्या आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि अंडर 500 आपको मिल रहा है? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अगर मैं इसके शेड्स की बात करूं, तो इसमें भी आपको कई सारे शेड मिल जाएंगे। एक आपको यही वाला मस्टर्ड मिल जाएगा, दूसरा आपको सेम जो मैंने ग्रीन वेयर किया है इस टाइप का ग्रीन मिल जाएगा, थर्ड आपको ये पिंक मिल जाएगा, फोर्थ आपको ये पर्पल टाइप का शेड मिल जाएगा, वाइन टाइप का। तो ये 4 शेड्स इसमें आपको अवेलेबल हैं, सारे ही शेड बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ये वाला सूट भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, चाहे तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो 6th सूट मटेरियल है, ये कॉटन का सूट मटेरियल है, एकदम सटल, बहुत ही ज्यादा समरी काइंड ऑफ है। अभी वैसे विंटर्स हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा लगने वाला है अगर आप समर के लिए भी इसको स्टिच कराएंगे आगे। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ये सूट है आपको इस तरह से व्हाइट शेड में मिलेगा, इस तरह का आपको व्हाइट मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का आपको व्हाइट शेड में मिलेगा जिसपे ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने जैसा सिफली टाइप का जो चिकन टाइप का वर्क होता है ना, इसके बॉर्डर पर आपको इस तरह का जो है वर्क मिल जाएगा। आपको पास से क्लियर हो रहा होगा किस तरह का वर्क की मैं बात कर रही हूँ। और जो ये है ना, पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन है इस पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर ये लाइनिंग वाला वर्क है, हल्की हल्की डिटेलिंग है। तो बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये भी, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉटन मटेरियल में है, 100% प्योर कॉटन इन्होंने दिया है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2.5 मीटर के अराउंड आपको इसमें जो है टॉप का मटेरियल मिलता है, तो काफी अच्छे से आपका जो है इसमें इस तरह से टॉप बन जाएगा। इसमें भी आपको कई सारे शेड मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी बाद में। तो इस तरह का मटेरियल है, पूरे सूट पर आपको जो है इस तरह के फ्लावर प्रिंट मिलेंगे। अब मैं बात करती हूँ इसके बॉटम की, तो इसका जो बॉटम है ये भी प्योर कॉटन में दिया है, सेम जो फ्लावर आपको वहां पर मिल रहा था उसका सिंगल छोटे छोटे फ्लावर्स आपको बॉटम पर मिल जाएंगे। क्वालिटी वाइज अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत इसका फैब्रिक है,
बहुत ही प्यारा कॉटन मटेरियल दिया है इन्होंने, और 2.5 से 2.5 मीटर के अराउंड आपको इसका जो है बॉटम मिल जाएगा। हाँ, और बॉटम की आप चौड़ाई देखेंगे ना तो इतनी अच्छी खासी चौड़ाई दी है, तो काफी अच्छी क्वालिटी इसके बॉटम की और इसके सूट की है। प्राइस वाइज भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अब मैं बात करती हूँ इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा आपको अगेन कॉटन के जो सूट है ना, जो मैंने आपको येलो वाला दिखाया वो पार्टी वेयर कॉटन का सूट है, तो उसके साथ इन्होंने शिफोन का दुपट्टा दिया है। अदरवाइज जो भी कॉटन के सूट है उनके साथ आपको ये मलमल वाले कॉटन का जो है दुपट्टा मिलता है। तो ये दुपट्टा मिलता है आपको इस तरह का आपको दुपट्टा मिलता है, जिस पर ये रोजेस बने हैं, ये फ्लावर्स बने हैं बीच में। तो मल कॉटन है इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, और सूट की भी मैं बात करूं क्योंकि व्हाइट शेड है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। काफी सही क्वालिटी इन्होंने दी है। तो इस तरह का आपको जो है इसका दुपट्टा मिलता है। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ पास से, किस तरह का ये लगा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पास से भी कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। इसका जो प्रिंट है बहुत ही प्यारा लगा है, जो ब्लू कलर के फ्लावर है वो व्हाइट बेस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और आप ये देखिए, ये वाला जो डिटेलिंग है ये भी कितना खूबसूरत है, जो चिकनकारी वर्क टाइप का इन्होंने बॉर्डर दिया है नीचे की साइड, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब अगर मैं आपको इसके प्राइस की बात करूं तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 472 रुपीज। तो 472 का मुझे ये वाला सूट पड़ा था। और इसके शेड्स की बात करूं अगर, तो इसमें आपको एक ये वाला ही ब्लू मिल जाएगा, दूसरा आपको ये वाला ऑरेंज पीच टाइप का शेड मिल जाएगा, थर्ड आपको ये पिंक मिल जाएगा, फोर्थ आपको ये येलो मिल जाएगा। व्हाइट के साथ मुझे येलो का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह का सूट है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये वाला सूट भी, आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मीशो अनस्टिच सूट मटेरियल में मेरा जो लास्ट सूट सेट है गाइस, बहुत खूबसूरत है ये भी। तो ये है इस तरह का, आप इसका वर्क देखिए कितना प्यारा लगने वाला है। वी नेक के साथ ये जो डिटेलिंग है ना, गोटा पट्टी, जरी और थ्रेड वर्क बहुत ज्यादा, प्लस सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ये सूट मिलता है आपको इस तरह में, इसमें भी आपको 2 शेड मिलेंगे आई थिंक, मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन से शेड है। तो इस तरह का लहरिया डिजाइन आपको मिलेगा इस तरह की शेड में, बहुत ही सटल सा शेड इन्होंने यूज किए हैं, बहुत ही प्यारे लगे हैं। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग आप देखिए पास से, बाकी मैं आपको अभी डिटेलिंग दिखाऊंगी किस तरह का है। फुल्ली कॉटन मटेरियल है ये भी, बहुत ही अच्छा मटेरियल इन्होंने दिया है। एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ है, 1 सिंगल थ्रेड, चाहे वो जरी वर्क हो, चाहे वो सिक्वेंस हो, चाहे वो थ्रेड वर्क हो, कुछ भी कोई भी धागा इसका नहीं निकला है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ इन्होंने ये सूट दिया है। बाकी आपको पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा किस तरह का पैटर्न है। अब मैं बात करूं अगर इसके बॉटम की, तो इसमें आपको मिलता है ये वाला क्रीम बेज काइंड ऑफ शेड का बॉटम, और बॉटम भी इन्होंने प्रॉपर कॉटन मटेरियल में दिया है, बहुत ही सही इन्होंने बॉटम दिया है इसका। तो इस तरह का 2.5 मीटर के अराउंड आपको बॉटम मिल जाएगा, बॉटम का फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अब मैं बात करती हूँ इसके दुपट्टे की, तो इसको इसमें भी आपको जो है मलमल वाले कॉटन मटेरियल का दुपट्टा मिलता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ना दुपट्टे को, तो जो व्हाइट वाले सूट का जो दुपट्टा आपको दिखाया था मैंने, उसका दुपट्टे का मटेरियल थोड़ा सा हल्का था इस वाले से, इस वाले सूट का मटेरियल जो है दुपट्टे का बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो इस तरह का आपको इसमें दुपट्टा मिल जाएगा। दुपट्टे का प्रिंट डिजाइन आप देखिए सूट के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं आपको इसके पास से डिटेलिंग दिखा देती हूँ किस तरह का है ये, तो आप देख सकते हैं किस तरह का लगा है ये पास से। इसका नेक का डिजाइन आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ दिया है। बाकी पूरा आपको फैब्रिक भी क्लियर हो गया होगा पास से देखने पर, किस तरह का फैब्रिक है, क्या इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज कोई भी कमी नहीं है सूट में, हाईली रिकमेंडेड करती हूँ मैं ये वाला सूट सेट भी। तो बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत ही रीजनेबल है, सबसे बड़ी बात है क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी इन्होंने दी है, काफी कंफर्टेबल रहने वाला है फैब्रिक। अब गाइस मैं बात करूँ अगर इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा था 487 रुपीज में। और शेड अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, तो इसमें आपको एक ये वाला ही शेड मिल जाएगा, तो ये वाला कि जो लाइनिंग है थोड़ा सा ब्लू टोन में चला जाता है, और दूसरे वाला जो शेड है ये आपको थोड़ा सा ग्रीन टोन में चला जाता है। तो इस तरह का सूट है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सारे कुर्ता सेट अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ ना, तो जो ब्लू वाला जो सबसे कम प्राइस, जो रेड वाला मैंने आपको सबसे कम प्राइस का दिखाया था ना,
235 का था, जो 200 से अबव था, थोड़ा 250 के अराउंड था। वो वाले कुर्ता का जो है फैब्रिक क्वालिटी मुझे सबसे कम पसंद आया है। बाकी जितने भी कुर्ता सेट है ना, सभी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये वाला कुर्ता भी चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे सूट मटेरियल जो मैंने मीशो से परचेस किए हैं। इनमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह की और हॉल वीडियो के लिए। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस हॉल वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आंसर मैं आपको जरूर करूंगी। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं इसी तरह की हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।